तिहाड़ से बाहर निकलने के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी का नाम लिया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान जी के नाम का जाप कर रही हैं। आखिर क्यों केजरीवाल ने दिल्ली में वोटिंग से पहले हनुमान कवच पहन लिया है, इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गले में फूल माला और हाथों में प्रसाद की थाली, अरविंद केजरीवाल ने बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन किए और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। दिल्ली के चुनावी जंग में उतरने से पहले केजरीवाल ने हनुमान कवच पहन लिया है। हनुमान जी का बजरंग बाण भी राम बाण की तरह अचूक होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के जय श्री राम वाले राम बाण का सामना करने के लिए बजरंग बाण चल दिया है। मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। तिहाड़ से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को रुद्राक्ष की माला पहने हुए हनुमान जी की फोटो के साथ दिखाया गया है। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम के नारे के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा को अपना राजनीतिक अस्त्र बनाया था और अब लोकसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने रिहाई होने के दिन दो बार अपने बयानों में हनुमान जी का जिक्र किया। पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि हनुमान जी की जय लोकतंत्र की जीत है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के दिन ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक थीम सॉन्ग यानी चुनावी गीत लॉन्च किया गया और इस चुनावी गीत में भी एक तस्वीर नजर आती है जिसमें श्री राम मंदिर लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ है अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के जवाब में आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश में लगे हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन भी अरविंद केजरीवाल की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।